13.2.1 गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना। अब हम एक क्रियाकलाप द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब के आकार, प्रकृति तथा स्थिति का अवलोकन करेंगे। क्रियाकलाप 4, कागज, अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी ज्ञात हो, वी स्टैंड, मीटर स्केल। विधि, अवतल दर्पण को वी स्टैंड पर लगाएं और उसे मीटर स्केल व मोमबत्ती को नीचे दिए चित्रानुसार जमाएं। मोमबत्ती को दर्पण से विभिन्न दूरियों पर रखकर और कागज को आगे पीछे खिसकाकर मोमबत्ती का एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब कागज पर प्राप्त करें। ध्यान दें कि मोमबत्ती की लौ कागज के ऊपर हो, जिससे लौ का प्रकाश दर्पण पर पड़ सके। अपने अवलोकनों को सारणी 1 में भरें। उपरोक्त क्रियाकलाप से सामान्य अनुमान लगाया जा सकता है कि गोली दर्पण में वस्तु के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार वस्तु के दर्पण के सापेक्ष अलग अलग स्थिति पर निर्भर करता है। वस्तु की कुछ स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होती है, जबकि कुछ स्थितियों में वास्तविक।